शुएब भाई है हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शमशाद अहमद एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आया हूँ मैं अपने ज़िला बिजनौर के एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता होता है। ये नजीबाबाद में पड़ता है नजीबुद्दौला का किला। इस किले को तीन नामों से जाना जाता है, पहला नजीबुद्दौला का किला, दूसरा पत्थरगढ़, तीसरा एंड मोस्ट पॉपुलर सुल्ताना डाकू का किला। इस किले को सन 1755 में नवाब नजीबुद्दौला ने बनवाया था। उस वक्त इसका नाम पत्थरगढ़ या नजीबुद्दौला का किला था, लेकिन बाद में इस किले पर सुल्ताना नाम के एक डाकू ने अपने गिरोह के साथ मिलकर अपना कब्जा जमा लिया था और अपने रहने की जगह बना ली थी। तब से ही लोग इसे सुल्ताना डाकू का किला कहने लगे। अब इससे पहले कि हम इस किले की और बारीकी से एक्सप्लोर करें, पहले हम नवाब नजीबुद्दौला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नवाब नजीबुद्दौला का जन्म सन 1707 में पेशावर में हुआ था। इनके बचपन का नाम नजीब खां था। नजीबुद्दौला का खिताब उन्हें मुग़लों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार से मिला था। सन 1752 में नवाब नजीबुद्दौला ने अपने ही नाम पर ऐतिहासिक नगरी नजीबाबाद शहर को बसाया था और नजीबाबाद को कई कलात्मक इमारतों का तोहफा दिया, जैसे नजीबुद्दौला का महल, पत्थरगढ़ का किला, बारह दरी, चार मीनार जैसे बेहतरीन इमारतों का निर्माण हुआ था। वैसे तो नवाब नजीबुद्दौला के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन आज हम इस किले की बात करेंगे। बाकी इनके बारे में फिर कभी डिटेल से बात करेंगे। 14 अक्टूबर सन 1770 को नजीबुद्दौला का इंतकाल हुआ। अब बात अगर इस किले के स्वरूप की जाए तो किला लगभग 40 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है। ये इस किले का मुख्य दरवाज़ा है जो नजीबाबाद शहर की तरफ है। कहा जाता है कि इसमें बड़े बड़े दो मजबूत लकड़ी के दरवाजे लगे हुए थे जो बाद में उतरवाकर हल्दौर राजपूतों की रियासत में लगवा दिए गए थे, जहां पर वे आज भी मौजूद हैं। इस गेट की ऊंचाई लगभग 60 फुट है। ये किला लखौरी ईंटों और पत्थरों से बना हुआ है। किले के दो गेट हैं जिन पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ दोनों तरफ बनी हैं। इसमें 16 फुट चौड़े और 26 फुट लंबे कमरों की छत बिल्कुल समतल हैं। कमाल की बात तो यह है कि इसमें कहीं पर भी लोहे का गार्टर या पिलर नहीं है। बताया जाता है कि इस किले के चारों तरफ एक गहरी खाई खुदी हुई थी जो अब भर चुकी है। चलो अब इसके ऊपर चलकर देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ये मेन गेट का ऊपर का व्यू है। ये दो मीनार इधर थी जो फिलहाल टूट चुकी है और दो उधर है। ये इस मेन गेट का टेरेस है और इसी गेट के सामने बिल्कुल दूसरा गेट है। एज यू कैन सी ऊपर आने का रास्ता है और एक उधर है और इधर चल रही है हमारी पार्टी। ये शुएब भाई है और ये खोल दी तो मैं खेल लूंगा भाई। यू आर लुकिंग, दिस इज द टेरेस ऑफ दिस फोर्ट। लुक एट देम, वेयर आर दे स्टैंडिंग? हाउ आर यू और ये जो आप दीवारों के पीछे झरोखे देख रहे हो, जब युद्ध होता था तो सेना यहाँ से खड़ी होकर बंदूक चलाती थी, यहाँ से गोलीबारी होती थी, पीछे से बंदूक की नाल यहाँ से निकाल कर गोलियाँ चलती थी। ये देखिए,
और ये देखिए ये किला कितना मज़बूत बनाया गया था, इसका अंदाज़ा आप इसकी दीवारों से ही लगा सकते हो। इन दीवारों की चौड़ाई लगभग 10 फुट से भी ज़्यादा है। इन दीवारों के बीच ऐसे कुएँ बने हुए हैं। इन कुओं की खासियत ये थी कि इनसे किले के अंदर से दीवारों के सहारे ऐसे पानी खींचा जाता था कि किले के बाहर के आदमी को पता ना चल सके। सन 1858 में नवाब नजीबुद्दौला के पड़पोते नवाब महमूद अली खां की जंग अंग्रेज़ों से हुई थी। क्यों हुई, कैसे हुई, ये एक बड़ा टॉपिक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इतना जान लीजिए कि उस जंग में नवाब महमूद अली खान की फ़ौज की ज़बरदस्त हार हुई। उस दिन सैकड़ों हिंदू मुस्लिमों को तोपों से बांधकर शहीद कर दिया गया। अंग्रेजी सेना ने नजीबाबाद शहर में खूब तांडव मचाया और नवाब नजीबुद्दौला के परिवार वालों को एक एक करके मार डाला। और इस किले पर भी उस समय ब्रिटिश सेना ने भीषण गोलाबारी और तोड़फोड़ की थी, जिससे किले को बहुत नुकसान हुआ था। बाद में वीरान पड़े इस किले को सुल्ताना डाकू ने अपना गुप्त ठिकाना बना लिया था। अब सवाल ये उठता है कि सुल्ताना डाकू कौन थे, तो आइए जानते हैं सुल्ताना डाकू के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब या फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था सुल्ताना सिंह। 17 साल की उम्र में ये लड़का उत्तर प्रदेश का सबसे ख़तरनाक डाकू बन गया और सुल्ताना सिंह से लोग इसे सुल्ताना डाकू के नाम से जानने लगे। सुल्ताना डाकू ने खासकर अंग्रेज़ों को लूटकर उसने उनकी नाक में दम कर रखा था और इसके नाम की दहशत पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। सुल्ताना ने अंग्रेज़ों के खजाने को कई बार लूटा, इससे अंग्रेज अधिकारी भी खौफ खाते थे। भारत को आज़ाद कराने के लिए वैसे तो बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन इसमें सुल्ताना डाकू का नाम भी आता है। इनके बारे में लिखा गया है कि सुल्ताना एक महान क्रांतिकारी भी था। सुल्ताना डाकू के ऊपर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनी है जो 1972 में सुल्ताना डाकू के नाम से बनी थी। इसके बाद भी कई फिल्में बनी हैं। सुल्ताना डाकू अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते थे और अपने घोड़े का नाम भी चेतक रखा हुआ था। सुल्ताना का एक बहुत बड़ा गिरोह था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू ने अंग्रेज़ों, ज़मींदारों और बड़े बड़े व्यापारियों की संपत्ति को लूटा और गरीबों में बांट दिया। इससे उनके चाहने वाले बहुत लोग थे और सुल्ताना का गिरोह चप्पे चप्पे पर फैला हुआ था। उस समय देहरादून और नैनीताल यानी उत्तराखंड जाने का रास्ता यहीं से नजीबाबाद से होकर जाता था, इसलिए सुल्ताना ने इस किले को अपना गढ़ बना लिया था। जो भी अंग्रेज़ या व्यापारी वहां से होकर गुजरते थे उनको लूट लिया जाता था। अंग्रेज़ों ने सुल्ताना को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, बहुत कोशिश की, लेकिन वे उनको पकड़ने में नाकामयाब रहे। आए हुए हैं जल्दी आ भाग के। या बेटा मारू पाड़ भाग 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 अंदर कूदने दे, आजा मैं वीडियो बननी तेरी। भाई कूद गया आराम से यार। रो चैनल जावेद भाई, रियान भाई। सुल्ताना डाकू के गिरोह में एक गद्दार भी था जिसका नाम था तुलाराम, और उसने अंग्रेज़ों को सुल्ताना की जानकारी दे दी और अंग्रेज़ों ने सुल्ताना को पकड़ लिया। लेकिन सुल्ताना उनकी कैद में ज़्यादा दिन नहीं रहा और वहाँ से भाग गया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने सुल्ताना के पीछे एक आयरिश मूल के शिकारी जेम्स कॉर्बेट को लगाया, लेकिन वो खुद शिकार हो गया और सुल्ताना को नहीं पकड़ पाया। सुल्ताना बहुत ही शातिर दिमाग का इंसान था। बाद में परेशान आकर अंग्रेज़ों ने एक महिला अधिकारी को भेजा
और सुल्ताना को प्यार के जाल में फंसाने को कहा गया और आखिर में सुल्ताना को पकड़ लिया गया। लेकिन उस महिला को सुल्ताना से सच में प्यार हो गया था और उसने कई बार अंग्रेज़ सरकार से उसकी रिहाई की मांग की थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसकी बात नहीं मानी। जेम्स कार्बेट ने अपनी प्रसिद्ध किताब माई इंडिया के लेसन सुल्ताना इंडियाज़ रॉबिनहुड में सुल्ताना के बारे में लिखा है कि एक डाकू के तौर पर अपनी पूरी ज़िंदगी में सुल्ताना ने किसी गरीब आदमी से एक कौड़ी भी नहीं लूटी, बल्कि गरीबों के लिए वो हमेशा नरम दिल इंसान रहा है। जब भी गरीबों ने उससे मदद मांगी तो उसने कभी इनकार नहीं किया, और छोटे दुकानदारों से जब भी उसने कुछ ख़रीदा तो उस सामान का हमेशा दोगुना दाम चुकाया। अंग्रेज़ सरकार ने सुल्ताना पर हत्या और लूटपाट का केस चलाया और उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। हल्द्वानी की जेल में 8 जून सन 1924 को सुल्ताना और उसके 15 साथियों को फांसी दे दी गई। इसके अलावा जो सुल्ताना के मदद करने वाले परिवार थे उनको काला पानी की सज़ा दे दी, और इस तरह भारत के क्रांतिकारी और अंग्रेज़ों के दुश्मन सुल्ताना डाकू का अंत हुआ।